नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी लिंकिंग लॉज। देखिए, आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, वो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए ये एक नया मौका है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए जो है आज बता देते हैं कि सबसे पहले तो क्या है, आज 15 मंथ्स के करंट अफेयर्स का पार्ट वन है। ठीक है, ये सीरीज रहेगी ऑब्वियसली, क्योंकि 15 मंथ्स का करंट अफेयर्स एक घंटे में तो हो नहीं सकता। अच्छा, इसी के साथ में पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चंस है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो मैं 12:45 की स्पेशल क्लास के अंदर लेके आऊँगा। बस एक बार बस इतना सा बता दीजिएगा, एवरीथिंग इज परफेक्ट फाइन, वॉइस और वीडियो। चलिए, नाम आप सब जानते ही हैं मेरा अब तो, और लिंकिंग लॉज इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो लिंकिंग लॉज इंग्लिश आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये, सारे के सारा डेटा और सारी चीजें यहां पे मिल जाती है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिए, विच कंट्री ऑब्जर्व इट्स फर्स्ट नेशनल डे फॉर ट्रुथ एंड रिकंसाइलेशन। तो ऐसा कौन सा जो नया कौन सा कंट्री है जो फर्स्ट टाइम जो है नेशनल डे, हाँ जी बिल्कुल, पॉलिटी की पूरी स्पेशल सीरीज होगी स्पेशल के अंदर, राइट, और एक्चुअली वो सुपर डुपर स्पेशल होगी, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा कैनेडा, कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है और उन्होंने कहा है कि हम नया डे बनाएंगे जिसका नाम है नेशनल डे फॉर ट्रुथ एंड रिकंसाइलेशन, ऑप्शन नंबर डी, कैनेडा इज द राइट आंसर, राइट। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो ये सीरीज है, हाँ, ये आर्टिकल्स का कुछ पार्ट रहेगा, बिल्कुल। हाँ, ये अच्छा बताया आपने कि जो कनाडा की जो कैपिटल है वो क्या है, ओटावा। ठीक है, ओटावा कैपिटल है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कनाडा का जो यहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल तीनों में ही बेस्ट है, ये तो सच है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है बहुत ही खतरनाक। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो चुने गए हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे कि हर किसी एग्जाम के लिए जो भी एक करंट अफेयर्स का पार्ट आता है जिस एग्जाम के अंदर। कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट्स क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, हाँ, कॉम्प्रिहेंसिव लिखा हुआ एक तरफ लिखा हुआ हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, हाँ, इज अ स्कीम ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर में आती होगी, तो आप अगर ये चारों ऑप्शंस अगर देखेंगे तो शायद आंसर आपका आ जाए, राइट, क्योंकि अगर मैं बोलता हूं हैंडीक्राफ्ट तो हैंडीक्राफ्ट से हमारे दिमाग में आता है टेक्सटाइल, राइट है, कुछ क्वेश्चन के आंसर सीधे सीधे मिल जाते हैं अपन को। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, एकदम परफेक्ट है, कोई तरह का इशू नहीं है। और ये ध्यान रखिएगा, पूरी क्लास 85 स्लाइड्स हैं टोटल, पूरी क्लास आज करनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कल पे नहीं छोड़ना है, राइट, चाहे एक घंटा लगे चाहे उससे ज्यादा लगे, बट जो फिक्स टास्क है अपना वो पूरा हम करेंगे आज। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत, मतलब समझ लीजिए कि सुपर इंपॉर्टेंट है। चलो, हाँ, जल्दी जल्दी कराएंगे बिल्कुल, बट जहां पे क्वेश्चन में जहां टाइम चाहिए वहां पे तो जरूरी है, जैसे कीपिंग साइबर क्रिमिनल्स आउट हैशटैग जस्ट वन क्लिक, तो ये याद रखना है आपको, हैशटैग जस्ट वन क्लिक जो है किसका कैंपेन है, ठीक है, इज अ साइबर सिक्योरिटी कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो किसका है, देख लीजिए भाई, नेस्कॉम, आरबीआई, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर इंटरपोल। तो इसका आंसर क्या है हमारा, इंटरपोल है। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल पुलिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इसी के साथ में इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां है पूछ लेते हैं भाई, ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, हेडक्वार्टर कहां पे है इसका, लियोन, ठीक है, हाँ, और लियोन कहां पे है भाई, फ्रांस के अंदर है, किसने बताया ये, प्राची, बहुत ही बढ़िया, हाँ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये कीपिंग साइबर क्रिमिनल्स आउट हैशटैग जस्ट वन क्लिक, इसी का है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, और ये क्लास में आपको फैक्ट बता देता हूं, कितने भी एग्जाम्स आप कर सकते हैं फाइट, सभी में इंपॉर्टेंट रहेगा, डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक, ठीक है,
which was seen in the news recently is associated with which space agency? तो डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक जो है किससे संबंधित है? इसरो, नासा, वर्जिन गैलेक्टिक या फिर स्पेस एक्स? तो ये जो है, हाँ, एटॉमिक क्लॉक का जो इन्वेंशन है ये तो बहुत पहले हो रखा था ना। इसका आंसर डी नहीं है, नो, इसका आंसर है नासा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नासा इज द राइट आंसर। और आपका क्वेश्चन ये है कि नासा की फुल फॉर्म फटाफट से बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं तो सभी का वेलकम करूंगा। हाँ, अ वार्म वेलकम टू एवरीवन टू द न्यू सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स एंड ऑल्सो द पॉलिटी सीरीज। चलिए सेकंड, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्ग हॉल फ्राइट ट्रेन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप भारत के अंदर रहते हैं, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा बोलो, नेशनल एरोनॉटिक्स क्या? हाँ, तो व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्ग हॉल फ्राइट ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे विच हैज 177 वेगन्स है? ठीक है, हाँ हाँ, तो देख लेते हैं यहां पे, हमदा, हिंद, भारत या फिर त्रिशूल। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है, त्रिशूल। वेरी गुड अंजलि, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, बिल्कुल नासा का फुल फॉर्म है। और ये जो है त्रिशूल जो है, यहां पे मैं इस क्वेश्चन को 5 स्टार दे रहा हूं। ठीक है, 5 स्टार, राइट। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। हाँ, टेल्पियोट सिमेट्री, ठीक है, टेल्पियोट सिमेट्री की बात करें जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में थी, ये कहां पे स्थित है? ठीक है, टेल्पियोट सिमेट्री की बात करें अगर हम, तो ये इसराइल के अंदर है। ठीक है, हाँ, इसराइल, इसराइल कहां है? ऑप्शन नंबर बी, ये रहा, सीधा सीधा आंसर है यहां पे, एकदम परफेक्ट है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। हाँ, थोड़ा फास्ट ही चलूंगा, नहीं तो क्या है कि फिर अपना जो है टास्क अधूरा रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे आपको एक फीमेल कैंडिडेट दिख रही है, इनका नाम क्या है? गीता गोपीनाथ। ठीक है, तो ये रिसेंटली, क्या ये हमेशा से ही न्यूज के अंदर रहती है? तो ये फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ विच इंस्टीट्यूशन, तो कौन सी फर्स्ट फीमेल चीफ बनी है ये? तो ये तो सबको ही पता होगा, राइट है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे? वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। और IMF कहां है? ऑप्शन नंबर ए, राइट, ना ना ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, याद रखिएगा ये। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, आगे बढ़ते हम। तो गीता गोपीनाथ का क्वेश्चन, पता नहीं यूपी वाले एग्जाम्स में, ये अभी पंजाब ADA का एग्जाम है, पंजाब ADA का एग्जाम है 6 नवंबर को, क्या पता आ जाए, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कल्चर की बात हो रही है भाई, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज ऑर्गेनाइज द अभिधामा डे। अच्छा, अभिधामा डे जो है पूरा बुद्धिज्म को बिलोंग करता है। ठीक है, अभिधामा कोश जो बनाया था सम्राट अशोक ने 361 BC के अंदर कलिंग का युद्ध हार जीतने के बाद में, सम्राट अशोक को उपगुप्त नामक, ठीक है, उपगुप्त नामक बुद्धिस्ट मोंक ने क्या किया था? हाँ, उनको बताया था कि देखो बहुत सारे लोगों को मार दिया है, अब अपना रास्ता चेंज कर दो। तो उन्होंने क्या किया था? अभिधामा कोश एक स्टार्ट किया गया था, ठीक है, और वो सभी को जो है आगे से आगे बुद्धिज्म को आगे सपोर्ट करते थे। इसी के साथ एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर सम्राट अशोक बुद्धिज्म को फॉलो करते थे तो चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि सम्राट अशोक के दादा, ठीक है, वो जैनिज्म को फॉलो करते थे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, तो उसके बाद से धर्म के रास्ते पे चला और अब आज जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर क्या बना रही है? अभिधामा डे। तो ये क्या है इसके आंसर? हाँ, ऑप्शन नंबर बी यूपी, उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है। अब देखो यहां पे, ठीक है, हाँ, उत्तर प्रदेश का आंसर आया, इसका मतलब ये MP के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूपी के लिए तो है ही, बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया ना ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहां पे अगले क्वेश्चन की तरफ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पे माउंट एसो, ये पिछले 5 साल से ऐसा ही हो रहा है,
कि ठीक है कितने पिछले 5 साल से ये ऐसे ही हो रहा है, मतलब कि सिर्फ जो है धुआं निकलता ही जा रहा है। ज्वालामुखी है एक्टिव, ठीक है, हाँ 5 साल पहले जो है फूटा था बट जो है अभी तक ये ऐसा ही हो रहा है। तो माउंट एसो कहाँ पे हो सकता है? अगर नाम से देखा जाए तो मैं आपको बताता हूँ, जापान या मलेशिया में से एक होगा, राइट। हाँ चलो टुक्का मारे तो जापान मारेंगे, बिल्कुल सही आंसर, करें क्या आप बताओ। माउंट एसो कहाँ पे है? जापान के अंदर है, ध्यान रखिएगा। हाँ अच्छा, आज सुबह ही मैंने पढ़ा है रिंग्स ऑफ फायर, तो रिंग्स ऑफ फायर जो है ध्यान रखिएगा पैसिफिक ओशियन के अंदर है, याद रखना। रिंग्स ऑफ फायर में क्या अलग अलग वॉल्केनोज है वहां पे आए दिन, ठीक है, आए दिन जो है भूकंप आते रहते हैं, वॉल्केनो बूम होते रहते हैं, ठीक है। हाँ अलग अलग आइलैंड से छोटे छोटे टापू है जिसपे क्या है वॉल्केनोज बढ़ रहे हैं, ठीक है। और साइंटिस्ट इसकी रिसर्च करते हैं क्योंकि आज से कुछ 1.5 लाख साल पहले या 1.5 लाख या 6 लाख साल पहले की बात है, हमारा इंडिया के अंदर हमारा जो वर्ल्ड है जो हमारा अर्थ है उसमें भी क्या हुआ करता था, लावा हुआ करता था, ठीक है। फिर वो सारा दब गया नीचे और अब वो मोल्टन मैग्मा बन गया है जहां से वॉल्केनो के रूप में ऊपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सिंपल सा क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 कहां पे भाई, 1861 फर्स्ट जनरल कौन थे, अलेक्जेंडर कुलिंगम। ये सब क्या है लिंक करके पढ़ा रहा हूं मैं, आप क्या आराम से पढ़ सकते हैं। अलेक्जेंडर कुनिंगम कोलकाता, कोलकाता के अंदर ये फाउंड हुआ था। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना सा पूछा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, यहां पे ये क्वेश्चन गलत होने के चांस पूरे पूरे हो जाते हैं। देखते हैं भाई क्या करते हो आप, होम अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स, कल्चर या फिर टूरिज्म। अभी तक तो तीनों ने ही सही बताया है, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज द राइट आंसर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है यहां पे एकदम परफेक्ट आंसर है। हाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे, अब ये कल्चर क्यों आया, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ पास्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पे बैटल ऑफ टबसोर, तो अच्छा क्वेश्चन है ये, 2022 में ये बहुत बार आ चुका था क्वेश्चन, ठीक है। तो बैटल ऑफ टबसोर जो है वो किस ईयर में फाउंड हुआ था बताना है भाई, 1914, 1918, 1934 या फिर 1938। आफ्टर वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट था ये, क्या था, आफ्टर वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट। देखो भाई 1914 के अंदर क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था जो कि 1918 में खत्म हुआ था, राइट है, 1918 में ये स्टार्ट हुआ था और ये 1918 मिड तक क्या हो चुका था, खत्म भी हो चुका था, ठीक है। बैटल ऑफ तबसोर इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा सिर्फ दो ही चीज याद रखनी है, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी, बात खत्म। बैटल ऑफ तबसोर 1918 सीधा सीधा फिक्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914, बैटल ऑफ तबसोर 1918, डेट्स इट, ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे तो 1918 के अंदर एक दो चीजें और भी याद करनी होती है अपन को, गांधी जी आए थे तो फिर सिलेबस तो बढ़ाएंगे ही ना, राइट है ना। तो 1918 में क्या हुआ था, यहाँ पे एक तो खेड़ा सत्याग्रह हो गया था और फिर एक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो गया था। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, हाँ हिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है खतरनाक, ठीक है, और मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई है, कहीं पे ड्रग्स एंड क्राइम लिखा हुआ आ जाए तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे ये है कि यूनाइटेड यूएनओ के अंडर में आता है, ठीक है भाई यूएनओ की एक ब्रांच है। हाँ तो इसका जो आंसर है वो क्या है, वियना। अब जो वियना है वो है कहां पे, ऑस्ट्रिया के अंदर ही तो है, ऑप्शन नंबर ए हो गया, बात खत्म। अब देखो ध्यान से, अगर यहां पे लिखा हुआ आता है ना कि ड्रग्स एंड क्राइम साथ में, सीधा सीधा कर देना ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया ऑप्शन में नहीं मिले तो वियना, वियना और ऑस्ट्रिया ध्यान रख सकते हैं दोनों। हाँ अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कुक स्टेट, ठीक है, ये कुक स्टेट जो है पिछले साल भर से जो है यहां पे अपने करंट अफेयर्स में रही है, पिछले पूरे साल भर, और अगर पूरे साल भर की बात करते हैं यानी कि 2021 से लेके 2022 तक की, तो पूरा पूरा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुक स्टेट कहां है भाई, कहां पे स्थित है, तो ध्यान रखिएगा यह है न्यूजीलैंड के अंदर स्थित, हाँ ठीक है न्यूजीलैंड के अंदर स्थित, हाँ न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है भाई, वेलिंगटन है, क्या है, वेलिंगटन,
ये भी याद रखना पड़ता है, करें क्या। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं यहां पे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये एक आया ना लेवल का क्वेश्चन, अभी तक लेवल का क्वेश्चन नहीं था, अब लेवल का क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखो इधर से फोटो आप देख सकते हैं, इस फोटो में आपको दिख रहा होगा कि कितने सारे मीटियर स्टोर है, वो टूटते तारे जो नाम होता है ना अपना, हाँ ये वो टूटते तारे ही हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो एक साथ इतने सारे दिखते हैं एक ही साथ में, वो क्या होता है कि जो छोटे छोटे एस्ट्रॉइड होते हैं ना, छोटे छोटे एस्ट्रॉइड, वो हर साल जब हम धरती हमारी जो है ना ऐसे निकलती है, कहाँ पे, नवंबर के महीने में जब धरती अपनी ऐसे निकलती है उधर की साइड से, ऑर्बिट से, तो साइड में वो सब जा रहे होते हैं। ठीक है, तो जब वो अर्थ के सरफेस के पास से जाते हैं तो रिफ्लेक्शन की वजह से हमको ऐसा दिखता है। हाँ, और अगर आप नॉर्थ पोल में जाएंगे, कब जाएंगे, नॉर्थ पोल में जाएंगे तो होता रहता है ऐसा, हाँ रोज टूटते तारे दिखेंगे, और अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो तारे भी दिखने मुश्किल है। चलो, तो इसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लियोनिड्स मीटियर शावर, और मीटियर शावर का मतलब क्या, जब एक साथ खूब सारे टूटते हुए तारे दिखे, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, गरुड़चट्टी ब्रिज, ठीक है, गरुड़चट्टी ब्रिज की अगर हम बात करें तो रिसेंटली इनोग्रेट हुआ था ये, हाँ 2021 या 22 के बीच में हुआ होगा। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो गरुड़चट्टी ब्रिज जो है भगवान के नाम पे आ रहा है, तो कोई ऐसी ही जगह पे होगी, तो उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में से एक डाल देते हैं, है ना। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड है, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। अब यहां से आपको एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, इतना सा क्वेश्चन पूछा है मैंने, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन कौन बताता है उत्तराखंड की कैपिटल क्या है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। हाँ देखो, ऐसा है, जब भी जेनेटिकली मॉडिफाइड लिखा हुआ आएगा या फिर जीआई टैग का क्वेश्चन आएगा, तो बीजेएस का बहुत ही वो फेवरेट क्वेश्चन है ये, बिहार जुडिशरी का, यूपी जुडिशरी का, उत्तराखंड जुडिशरी का। हाँ, सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने बताया पूरा सही, देहरादून तो है ही, ठीक है, लेकिन देहरादून क्या है, विंटर कैपिटल है, क्या है, देहरादून जो है, हाँ विंटर कैपिटल है। तो समर कैपिटल क्या है, समर कैपिटल है गैरसैन, याद रखना, क्या है, गैरसैन समर कैपिटल। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। हाँ, और ये दून दून क्या होता है, ये दून क्या होता है वो भी सुन लो आप यहां पे, ठीक है। सबसे ऊपर तो है हिमालयाज, हिमालयाज में भी अलग अलग है, एक है हिमाद्री, एक है हिमाचल और एक है शिवालिक, ठीक है, इन तीनों के नीचे आते हैं दून। तो हमारे भारत में खूब सारे दून है, एक हर की दून है, एक यहाँ पे देहरादून है, ऐसे खूब सारे दून है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, तो ये दोनों कैपिटल्स है, पता होनी चाहिए अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड अ ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर जीएम, जीएम का मतलब क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स इन इंडिया, फूड का नाम आ गया, ठीक है। तो देख लो भाई यहां पे, WHO, एम्स, FSSAI या फिर नीति आयोग, और साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन इंडिया। इन वर्ल्ड की बात करते हैं तब तो चलो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समझ में आता, बट यहां पे तो क्या साफ साफ इन इंडिया लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन कहां मिलेगा, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी लगाओ, एफ हो गया आंसर, ठीक है। अब FSSAI का फुल फॉर्म, हाँ, अंडर अम्ब्रेला एक्ट, अम्ब्रेला एक्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम वो देखते हैं। अम्ब्रेला एक्ट का मतलब ये होता है कि 4 से 5 स्कीम एक ही स्कीम के तहत अगर हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं, अम्ब्रेला एक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सारी फैकल्टीज है हमारी लिंकिंग लॉज की, तो एक अम्ब्रेला के अंडर में है, यानी कि एक लिंकिंग लॉज के अंडर में, तो एक तरह से कह सकते हैं, बिल्कुल ग्रुप कह सकते हैं, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आज से एक और नया इनिशिएटिव मैं लेके आया हूं, देखो क्योंकि ये 1 नवंबर है तो आज से मैं डू यू नो वाला अलग से लेके आया हूं, बस वो गाना नहीं चला सकता थोड़ा सा, नहीं तो मैं वो चलाता बिल्कुल, हाँ राइट। अच्छा ये भी कर लेते हैं अपन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाँ इसका फुल फॉर्म भी देख ही लेते हैं। हाँ कभी कभी मैं किसी का फुल फॉर्म भूल जाऊं ना अगर बताना, तो आप बता देना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। मैंने हमेशा से आपको बताया है जब भी ये AI लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
ठीक है, स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है भाई। तो डू यू नो से स्टार्ट कर लेते हैं हम यहां पे। तो सबसे पहली चीज जो है डू यू नो के अंदर पहला वर्ड है द फर्स्ट ट्रांसलेशन भगवत गीता टू इंग्लिश। पहली बार जो है भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट कब हुआ था भाई? हाँ, किसने किया था? चार्ल्स विकिंस ने किया था, ठीक है, चार्ल्स विकिंस। इंपॉर्टेंट हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो भाई, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। द फर्स्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी कौन है? गोपाला। द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश रेगुलर ट्रेड विथ इंडिया वॉज पोर्टुगीज। और पोर्टुगीज जो है कहां से फर्स्ट जो रास्ता किसने ढूंढा था इंडिया का सी रूट, वो कौन थे? वास्को डी गामा, ठीक है भाई। और लास्ट अशोका कॉन्कर्ड कलिंग इन 261 BC, 261 BC के अंदर था। और उस बुद्धिस्ट मोंक का नाम क्या था? उपगुप्त, जिसने उसको सही राह दिखाई थी, उपगुप्त। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ बिल्कुल, MP ADPO के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। RGS वाले इसलिए बच गए हैं कि उनके GK नहीं आती, अगले साल से GK ना डालते, ध्यान रखना। हाँ प्रॉब्लम हो सकती है फिर। हाँ डू यू नो से इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, इंग्लिश की क्लास जिसका नाम है ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस रिलीवर क्लास, हाउसफुल रहता है वहां पे, तो वो कब होती है? 9:15 पे डेली होती है, संडे को भी छुट्टी नहीं होती। ये क्लास पंजाब AD के लिए स्पेशली है, ध्यान रखिएगा। 11 AM की बात करें तो YouTube क्लास होगी अगले 5 दिन तक लगातार, यानी कि 1 नवंबर से 5 नवंबर तक रेगुलर होगी, और उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी यही टाइम 11 AM। 12:45 पे पॉलिटिक के MCQ सीरीज है, 5 डे की ये भी सीरीज है, ठीक है। हाँ जैसे वो टेस्ट मैच होता है ना, वैसे अपन ने भी 5 डे सीरीज करा है। एक स्टूडेंट 4 घंटे पढ़ेगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन उसी चीज को 45 मिनट्स में पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन, अगले क्वेश्चन पे। हाँ ना ना, ये तो प्लस, ये वाली तो प्लस ही होती है, स्पेशल नहीं हो सकती। इंग्लिश तो सिर्फ प्लस में ही कराता हूं। हाँ जब RGS की वैकेंसी आएगी तो नो डाउट स्पेशल YouTube और सब पे कराऊंगा। आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है भाई, इस साल चल रहा है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव द पार्लियामेंट टू गिव पार्लियामेंट द पावर टू मेक लॉज एंड रिपील लॉज। हाँ हाँ, नवंबर शायद नो शेविंग वीक है, बट मैं तो आज ही करने वाला, मैं आज तो ट्यूजडे, कल करने वाला हूं, राइट। हाँ तो आर्टिकल 245, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 245 जो है पार्लियामेंट को पावर देता है टू मेक एंड टू रिपील लॉज। सबको पता होना चाहिए, तो सबको ही पता होगा। हाँ ऑब्वियसली। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, जियांट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जिसका नाम है GMRT, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा। GMRT जो कि अभी न्यूज में था, वो कहां पे लोकेटेड है, ठीक है, हमारे भारत के अंदर कहां पे लोकेटेड है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड? हाँ सर, 0 लेवल से करंट अफेयर्स प्रिपेयर करें अगर फॉर कमिंग एग्जाम, तो लास्ट कितने मंथ्स का, यही वो क्लास है, जिस क्लास की आपको तलाश थी वो यही क्लास है, ध्यान रखिएगा। तो ये 0 लेवल से स्टार्ट कर लो, आप मौका है आपके पास, राइट। और अगर आपको और भी अच्छे से डिटेल में जाना है तो जनवरी 2022 से सर्च कर लो। और ऐसा नहीं है, आप YouTube पे सर्च करोगे जनवरी 2022 सूर्या सर, बस आ जाएगा, फरवरी 2022 सूर्या सर आ जाएगा। ऐसे सारे मैंने एक एक क्लास ले रखी है, बेफिक्र रहिएगा। हाँ तो यहां पे सभी बोल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, तो सबसे पहले तो मैं क्या है इस अरुणाचल प्रदेश को क्या करता हूं, राम बधाई हो। इसका आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी, उद्धव ठाकरे ने, अभी नहीं पहले, उद्धव ठाकरे जो यहाँ के एक्स CM थे, उन्होंने ये किया था, ठीक है। जियांट मीटर वर्स मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, चलिए पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। मैसूरू डिक्लेरेशन जिसका नाम दूसरा है मैसूर डिक्लेरेशन, ठीक है, तो ये किससे एसोसिएटेड है, देखते हैं भाई, बताइए। हाँ क्लाइमेट चेंज सर्विस डिलीवरी बाय पंचायत्स, ऑप्शन नंबर सी क्या है,
अर्बनाइजेशन या फिर डी है न्यूट्रिशन डेवलपमेंट। ये जो अर्बनाइजेशन वर्ड से तो मेरे को पता हड़प्पा याद आता है, सच बात तो ये है। हाँ, क्लाइमेट चेंज के बारे में बिल्कुल भी मैसूरु डिक्लेरेशन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। डिक्लेरेशन नाम से हमारे दिमाग में यही होता है कि क्लाइमेट से होगा, बट ये नहीं था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्विस डिलीवरी बाय पंचायत्स, फास्ट डिलीवरी होनी चाहिए। ठीक है, रोड नहीं बन रही तो बनवाओ जल्दी, ठीक है, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होने चाहिए। ठीक है, हाँ, बहुत जरूरी था ये मैसूरु डिक्लेरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्विस डिलीवरी बाय पंचायत्स। तो ये मैसूरु डिक्लेरेशन कहाँ हुआ था? केरला के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? केरला। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड से अपन को क्या समझ आता है भाई? ठीक है, अलग अलग लेपर्ड अपने, जो मैं आपको बता रहा हूं, एक इंडियन आर्मी ही है जिसके जो नाम होते हैं ऑपरेशंस के, वो बहुत ही शानदार होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशन स्नो लेपर्ड भी किसका है भाई? इंडियन आर्मी का ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इंडियन आर्मी। ना ना, ये ITBP, CAPF, इंडियन नेवी का नहीं है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। हाँ ठीक है, इंडियन आर्मी। बर्फ वाला चीता, हाँ एक तरह से कह सकते हैं। अगले की अगर हम बात करें तो स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज, ये किसकी कंपनी है भाई? ये वही है जिसने वो ट्विटर खरीदा है। ठीक है, देख लो भाई, एलन मस्क, जेफ बेसोस, बिल गेट्स या फिर मार्क जुकरबर्ग। अब ट्विटर किसने खरीदा है? मजा तो भाई पराग अग्रवाल को आ गया, सही बात तो ये है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है यहाँ पे? एलन मस्क, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसी ने CRPF का फुल फॉर्म पूछा है, CRPF का फुल फॉर्म होता है, CAPF है क्या ये? हाँ, CRPF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस सर्विस, हाँ फोर्स, पी हाँ फोर्स हो गया। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं हम, एलन मस्क। हाँ, हु वॉज सोली सौरभ जी हु पास्ड अवे रिसेंटली? तो सोली सौरभ जी को तो आप सब जानते ही हैं, तो ये कौन थे? अटॉर्नी जनरल थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अटॉर्नी जनरल, बिल्कुल सही है। अच्छा, इनकी नाम पे किताब भी लिखी गई है, जिसने किसने लिखी है, आई थिंक अभिनव, हाँ राइट, नाम याद आ गया, वो तो अभिनव चंद्रचूड जो है यहाँ पे इन्होंने लिखी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शानदार। हाँ, और हाँ बिल्कुल, मैंने आपको बताया भी था कि अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया का आर्टिकल भी याद रखना है, तो आर्टिकल कौन सा है ये? आर्टिकल 76। एक क्वेश्चन से तीन तीन क्वेश्चन बन रहे हैं, देख लो आप यहां पे। हाँ चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। हाँ, रूशी कुलिया रिवर, ठीक है, रूशी कुलिया रिवर जो है कहां पर है? इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कर्नाटक, ओडिशा, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार? ठीक है भाई, हाँ, द सिटी ऑफ, सॉरी, द स्टेट ऑफ ब्लैक पगोड़ा एंड व्हाइट पगोड़ा। तो ब्लैक पगोड़ा एंड व्हाइट पगोड़ा कहाँ पे है भाई? ओडिशा के अंदर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ब्लैक पगोड़ा वन इज व्हाइट पगोड़ा, किसी स्टूडेंट ने मेरे से कमेंट में पूछा भी था कि सर ये पगोड़ा क्यों बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये चीज, यूरोप के अंदर, यूरोप के अंदर भगवान को पगोड़ा कहा जाता है, तो व्हाइट मंदिर दिखता है तो वो व्हाइट पगोड़ा हो गया, और अंधेरा दिखता है तो वो ब्लैक पगोड़ा हो गया। तो ये तो क्या है? सन टेंपल कोणार्क, ठीक है, सन टेंपल कोणार्क हो गया ये तो, और ब्लैक, सॉरी उल्टा हो गया क्या ये? हाँ, ब्लैक पगोड़ा तो क्या है? सन टेंपल, जो कि कहां पे स्थित है? कोणार्क के अंदर स्थित है। ठीक है, और व्हाइट पगोड़ा तो सबको ही पता है, जगन्नाथ टेंपल है। जगन्नाथ टेंपल तो एकदम शानदार, सारे टेंपल्स पढ़ाए हैं मैंने, ध्यान रखिएगा। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं, सारे मंदिरों के दर्शन और सारे भगवान के दर्शन इसी क्लास में, इसी यूट्यूब के माध्यम से मैंने कराया है आपको। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही खतरनाक है, ऑप्शंस थोड़े से कंफ्यूजिंग है लेकिन हो जाएगा आंसर। विच स्टील कंपनी हैज एंटर्ड इनटू द लिस्ट ऑफ टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएड कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन? इसमें टाटा क्यों नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। टाटा इसीलिए नहीं है क्योंकि वो तो पहले से ही थी।
कौन सी अब नई एंटर हुई है वो बताना है। जिंदल स्टील सेल, सेल का मतलब आपको पता ही, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको और JSW। सबसे पहले आपने कहा है ए, वेरी गुड, गलत है। और कोई गैस मारना चाहे आप अगर तो मार सकते हैं। हाँ, स्टक हो रहा है बार बार, ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। दूसरा देखते हैं भाई, और कोई ऑप्शन अगर आपको पता हो तो। सी, सी 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 देखते हैं हम यहां पे, सी भी नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। अच्छा, रेगुलर बैच 4.0 के बारे में तो आपको अच्छे से पता है, 6 अक्टूबर से हुआ था, वही है मेरी क्लास 9:15 होती है, ठीक है, वही स्ट्रेस रिलीवर क्लास जिसका मैं बता रहा था। हाँ, और प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दोनों में से आप कोई भी ले, प्लस ठीक रहता है वैसे। हाँ, सब आइकॉनिक तो पैसे वाली पार्टी का आपको बताता ही हूँ मैं हमेशा से। और लिंकिंग कोड इस्तेमाल करना है और 10% का ऑफ लेना है, ठीक है। कोई भी तरह की दिक्कत हो, जैसे फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो वो टेलीग्राम पे पूछिए मेरे को, ठीक है, क्लास में तो हो नहीं पाता है। अब आ जाते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। इंडियन आर्मी ने हीरोन टीपी ड्रोन्स, ठीक है, कहां से प्लानिंग करी है लीज की, लेकिन वो पहले था, अब तो क्या है, हाँ ठीक है, अब तो क्या है, यहां पे मैं बोल रहा हूं कि खत्म ही हो गया, इंपोर्ट को हटाई दिया, बंद ही कर दिया इंडिया ने, लेकिन कब्स कहां से लिया गया था वो ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रशिया से नहीं लिया, ठीक है, रशिया से नहीं लिया हुआ ये, तो फिर कहां से लिया हुआ है, तो बिल्कुल इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, इसराइल, ठीक है, इसराइल से लिया गया है। हाँ राइट, ध्यान रखिएगा। चलो भाई, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे द टर्म मिक्सिंग एंड मैचिंग, अभी मिक्सिंग एंड मैचिंग क्या होता है ना, हाँ कलर से संबंधित लग रहा है ये तो, लेकिन देखते हैं क्या होता है यहां पे। विच इज न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट, सबसे पहला ऑप्शन है मिक्सिंग एंड मैचिंग में क्रिकेट, दूसरा है फूड प्रोसेसिंग, तीसरा है कोविड वैक्सीनेशन, और चौथा है फ्यूल प्राइजेस। मिक्सिंग एंड मैचिंग इसमें भी हो सकता है भाई, वही हाँ सट्टे वाला जो सीन है, फूड प्रोसेसिंग में भी मिक्स और मैचिंग हो सकता है, कोविड वैक्सीन में भी मिक्स और मैचिंग हो सकता है, और फ्यूल में तो होता ही है मिक्स मैचिंग। खतरनाक क्वेश्चन है, ऑप्शंस बस ट्रिकी है। चलो भाई, तो सबसे पहले तो इस ए को काटते हैं, फिर आप सब डी कह रहे हैं तो डी को भी काट देते हैं, फूड प्रोसेसिंग को भी काट देते, बचा पीछे कोविड वैक्सीनेशन। तो ये ध्यान रखिएगा, मिक्सिंग एंड मैचिंग कोविड से रिलेटेड है, अब दिमाग में फिक्स रहेगा, देख लेना 100% है, अब दिमाग में क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जुडिशरी के लिए, हाँ क्या पता माइनर लॉज में भी आ जाए, तो हाँ मेजर लॉज में आ जाए। अंडर विच रेगुलेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज्ड फॉर अ रेंट अथॉरिटी टू रेगुलेट रेंटिंग ऑफ प्रीमिसेस, ठीक है भाई, हाँ रेरा एक्ट, मॉडल टेनेंसी एक्ट, रेंट अथॉरिटी रेगुलेशन एक्ट, और ऑप्शन नंबर डी हाउसिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है एक्चुअली। हाँ देखते हैं भाई क्या करते हैं आप लोग। ए रेरा, सर कट बहुत अच्छा हो रहा है, कट क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, तो इसका आंसर सबसे पहले तो इस रेरा को हटाता हूं, अपन को लग रहा होगा वो रेरा एक्ट नया है तो वही होगा, बट ये नहीं है, गलत हो गया। हाँ आप सी और डी तो बोल ही नहीं रहे हो, हाँ एक्चुअली सी और डी दोनों ही नहीं है। इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी है, मॉडल टेनेंसी एक्ट, ठीक है, हाँ ठीक है, मॉडल टेनेंसी एक्ट है, हाँ एकदम परफेक्ट है। आगे बढ़ जाते हैं हम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओहो, इतना खतरनाक नाम देखो यहां पे, लुफेनकोसॉरस, ठीक है, लुफेनकोसॉरस की बात अगर हम करें, ये डायनोसॉरस की ही प्रजाति है लुफेनकोसॉरस, बस डायनोसॉर कुछ ज्यादा बड़े थे, ये थोड़े कम है। हाँ फिर देखिए, स्टक क्यों हो रहा है ये, ऐसा क्या हो गया है, राइट, हाँ वो रेरा एक्ट जो है रियल इस्टेट का था, ये अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, ठीक है राइट। आगे बढ़ जाते हैं हम,
हाँ, लुफेनकोसोरस जो है यहाँ पे 180 मिलियन ईयर ओल्ड, 180 मिलियन, इतना पुराना डायनासोर का फॉसिल मिला है। कहाँ पे मिला है? ठीक है, ग्रीस, चाइना, जापान या रशिया। ऐसे अगर प्राचीन की बात करें तो ग्रीस ही दिमाग में आता है, बट इसका आंसर ग्रीस है नहीं। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चाइना। ऐसा चाइना की कैपिटल तो बता दो। हाँ गुरुजी, बहुत स्टक हो रहा है, ये क्या है ये? राइट है, देखना पड़ेगा, अभी कराते हैं सही। देखते हैं, पुअर नेटवर्क का अभी हाथों हाथ इलाज करते हैं, जब तक आप इसका आंसर दो, जब तक अगले क्वेश्चन का आंसर दो। ये तो चाइना से मिला है, चाइना की कैपिटल बताओ एक तो, और दूसरा जो है यहां पे, हाँ पीथमपुर वेयर एशियाज लग, हाँ जब तक इसका आंसर दो मैं आता हूं, है ना। फटाफट से देखो कहीं स्टक विस्टक तो नहीं हो रहा है। हाँ स्टक हो रहा है तो कोई देख लीजिए, मोबाइल में चेक करिए एक बार, कुछ भी थोड़ा सा भी स्टक हो तो सही करा दीजिए। राइट, अभी सही हो जाएगा, बेफिक्र रहिए आप। हाँ, बिल्कुल, बीजिंग इज द राइट आंसर। हाँ शंघाई नहीं है, शंघाई सबसे बड़ी सिटी है, ठीक है ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन, ये जो है पीथमपुर, पीथमपुर वेयर एशियाज लॉन्गेस्ट हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक नेटरैक्स है, ठीक है। हाँ तो ये जो नेटरैक्स है ये कहाँ पे बना है, तो ध्यान रखिएगा ये मध्य प्रदेश में बना है। अब ये मध्य प्रदेश में बना है तो यूपी के लिए, एमपी के लिए, दिल्ली के लिए, बिहार के लिए, ठीक है सभी के लिए ये क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। राइट है, नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, ठीक है। हाँ यस बिल्कुल, पीसीएजे की अगर कोई तैयारी स्टार्ट करी है उसने तो ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा इज अ रिनोन्ड पोएट ऑफ विच लैंग्वेज, तो कौन से लैंग्वेज का है भाई? ये देख लो भाई, बंगाली, उड़िया, कन्नड़ या फिर तेलुगु। तो ध्यान रखिएगा पांडा सरनेम से, मैंने आपको पहले भी बताया था, उड़ीसा के लोग हैं ये। क्या है? यस प्रमिला जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी पीसीएसजे। राइट, तो ध्यान रखिएगा ये क्या है? उड़िया, इंपॉर्टेंट है। राइट हाँ, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ विराचे नेशनल पार्क, देखिए फटाफट से इसका, हाँ ठीक है जल्दी से बताइएगा, विराचे नेशनल पार्क की बात करें। हाँ फटाफट से, हाँ एक बार सेटिंग्स भी चेक कर लीजिए कि क्या पता 1920 है या नहीं है ना, नहीं तो वो क्वालिटी की वजह से लगता है ना मलेशिया है, बिल्कुल लगता है, लेकिन ये मलेशिया एक्चुअली में है नहीं, ध्यान रखिएगा। ओके, इसका आंसर है कंबोडिया, ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया है। हाँ शानदार, मतलब कि घूमने लायक जगह है ये विराचे नेशनल पार्क, और मतलब कि आप समझ लीजिए इतना शानदार यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, और मतलब अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे एक ही साथ में। राइट नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम यहाँ पे, विच इंडियन स्टेट इज द फर्स्ट टू सेटअप अ जीन बैंक प्रोजेक्ट, तो जीन बैंक प्रोजेक्ट करने वाला जो है यहाँ पे कौन था? ठीक है भाई, इतना भारी काम इन चारों में से कौन कर सकता है, देख लो एक बार, है ना, चारों में से भारी तो एक ही है। ठीक है, इसका आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट। हाँ ऑप्शन नंबर सी है, महाराष्ट्र एकदम परफेक्ट है, कोई बात नहीं, ऐसे बड़ी बड़ी क्लासों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। हाँ इग्नोर इट, आगे बढ़ते हैं हम यहां पे, द मद्रास हाई कोर्ट हैज इन्वोक्ड द पेरेंट्स पैट्रिया जुरिडिक्शन टू डिक्लेयर विच एंटाइटी एज लिविंग बींग, ये वाला क्वेश्चन आता है, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है। हाँ सीधा सीधा आंसर बता दीजिए भाई इसका, तमिल लैंग्वेज, मदर नेचर, फूड ग्रेन्स या फिर एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। सिंपल सा है वैसे तो, ये इतना हार्ड क्यों बना रहे हैं आप? हाँ एक स्टूडेंट का अभी तक सही हुआ है, अब ठीक है, अब थोड़ा सही लग रहा है,
मदर नेचर इज द राइट आंसर, एकदम परफेक्ट है मदर नेचर, राइट। अगले आगे बढ़ जाते हैं, मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर बाद आ रहा है शायद, हाँ ओके। इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, जिसका नाम क्या है, ट्राई होब। अब एक्चुअली ट्राई होब का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं अगर यूपी पीसीएसजे का क्वेश्चन है तो, ठीक है, बाकी तो पूछेंगे सिर्फ यही ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी कहां पे खुली है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है भाई, सीधा सीधा आंसर दे दो इसका, ठीक है। मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात, ओडिशा, हाँ ऑप्शन तो बहुत ट्रिकी है। मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा तीनों ही ट्राइबल एरिया, अब करें क्या, ठीक है, हाँ देखते हैं भाई आप क्या करते हैं, उसके बाद मैं तो आंसर बताऊंगा ही, राइट है ऑप्शन नंबर बी तो गलत है भाई, झारखंड इज द राइट, गलत है, हाँ राइट, ए भी गलत है भाई, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओडिशा, वही ओडिशा है जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, हाँ राइट, लेट कमेंट आ रहे हैं, मैं भी यही सोच रहा हूं, बिल्कुल। आगे बढ़ जाते हैं हम, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ द फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, ठीक है भाई। तो खेलो इंडिया गेम्स 2022 जो हरियाणा गवर्नमेंट ने कराया था, तो उसका जो है मैस्कॉट कौन था, ठीक है, अप्पू, धाकड़, वीर या फिर गंभीर, ठीक है, क्या बात है, वीर गंभीर, हाँ चलिए भाई देखते हैं कौन सा था इसका आंसर आप लोगों से, हाँ ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, इसका आंसर है धाकड़, और धाकड़ की फोटो भी एक बार देख ही लो यहां पे, इस तरह का जो है धाकड़ था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का मैस्कॉट धाकड़, राइट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं यहां पे, हाँ हो ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है यहां पे आप सभी के सामने, ठीक है, सायरन नहीं बजा पाया बट ध्यान रखिएगा, हाँ ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी, आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या हो चुकी है ना, वैसे तो ब्रेकिंग न्यूज आज की नहीं है, है तो परसों की, बट जरूरी है, ठीक है, ये एक कोई ब्रिज है, ठीक है, हाँ इसका नाम है झूलतो पुल, ठीक है, वैसे मारवाड़ी में झूलतो पुल का मतलब है कि जो झूलता रहता है, बट इसका नाम है एक्चुअल में झूलतो पुल, जो रिसेंटली अभी गिर गया था आपको अच्छे से पता है ना, राइट। ये कहां पे हुआ था, इसका दूसरा नाम ऑल्सो नोन एज मोरबी ब्रिज, ठीक है, हाँ। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है एग्जाम के अंदर, देखते हैं भाई यहां पे हेड किसका, हेड काऊ का है, काऊ का हेड है, हाँ। तो झूलतो पुल की अगर हम बात करें तो ये एक सस्पेंशन ब्रिज है जो कि इनोग्रेट हुआ था कब, 1879 के अंदर इनोग्रेट हुआ था, ठीक है, और 1879 के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सर वगाई रवजी जो कि ठाकुर साहब ऑफ मोरबी थे, तो उनके नाम पे ये बनाया था, इसीलिए इसका नाम क्या है, मोरबी ब्रिज है, ठीक है। दूसरी चीज, ये 233 मीटर का है और इसका कौन सी रिवर पे है, तो क्या है, मचू रिवर पे है, ये थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोरबी ब्रिज जो है कौन सी रिवर पे है, तो ये वाला क्वेश्चन बनता है ना, बिल्कुल करंट अफेयर्स का सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है यहां पे, हाँ। 150 पीपल को सपोर्ट करता था, 150 पीपल एक साथ खड़े हो सकते थे, बट यहां पे एक बार देखो, 500 लोग अगर 150 वाले पुल पे खड़े होंगे तो सोच के तो देखो क्या होगा उस पुल का हाल, ठीक है, हाँ। 150 लोग खड़े हो सकते एक पुल पे, 500 लोग खड़े हैं बोलो, तो गिरेगा ही ना वो तो पुल तो, हाँ ठीक है। तो कुछ लोग तो यहां पे छत पूजा रिचुअल्स कर रहे थे, अब छत पूजा से सीधे ही चले गए, अब क्या कर सकते हैं, राइट। और अक्टूबर 26 को जो है यहां पे गुजराती न्यू ईयर बनाया जाता है एक्चुअली, हाँ तो ध्यान रखिएगा, हाँ बिल्कुल अथॉरिटी की गलती है ये, तो और तो कोई गलती हो ही नहीं सकती है, जब आपको पता है कि भीड़ होती है हर साल तो उसकी व्यवस्थित ढंग तो करना पड़ता है ना, राइट है। चलो आगे बढ़ते हम यहां पे, हु रोट द बुक पंचतंत्र, तो पंचतंत्र किताब है जानवरों की, है ना, हाँ जानवरों की कहानियों की, तो वो किसने लिखी है, विष्णु शर्मा ने लिखी है, हमको बचपन से पता है ये चीज, जिसको नहीं पता वो देख लीजिएगा, हाँ राइट। अच्छा एक और चीज,
1879 के अंदर तो बना था, लेकिन क्या है, एक महीने पहले ही इसको वापस से स्टार्ट किया था। अब एक बात बताओ, स्टार्ट होने के बाद ही गिर गया, गलती है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं यहां पे। विच स्टेट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट सद्भावना, ठीक है, प्रोजेक्ट सद्भावना जो है किसने स्टार्ट किया था, कौन से गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है। तो ये जो है यहां पे असम गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है। असम की कैपिटल क्या है, हाँ दिसपुर, तो असम गवर्नमेंट ने किया था, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ 150 के करीब डेथ हुई है, राइट। चलो प्रोजेक्ट सद्भावना इज इक्वल टू असम। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2022? वर्ल्ड्स वेटलैंड डे 2022 की अगर हम बात करते हैं तो उसकी थीम क्या थी? ये मैंने दो तीन बार करा दिया है, अब तो क्वेश्चन करा दो। हाँ ये फरवरी में भी था ये वाला करंट अफेयर्स का, और एक बार और भी टेस्ट में लेके आया हूँ, ठीक है। हाँ ये जो यूनिवर्सल वेटलैंड है ना, ये पिछले साल की है, अब नहीं है। हाँ ये उससे पिछले साल की है, ये उससे पिछले साल की है, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल परफेक्ट है, राइट। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये अपना 10-star क्वेश्चन है, ठीक है। देखो विच इंडियन सिटी, हाँ विच इंडियन सिटी हैज बीन इलेक्टेड एज द होस्ट ऑफ 2023 इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी सेशन? तो 2023 के अंदर अगर मैं बात करूं तो कौन ये करेगा होस्ट, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर हैदराबाद? तो चेन्नई, मुंबई और न्यू दिल्ली, हैदराबाद पे तो विश्वास ही नहीं है आपको, तो हैदराबाद तो होगा नहीं। सब जने चेन्नई कह रहे हैं तो चेन्नई तो बिल्कुल ही नहीं होगा। हाँ कुछ लोग दिल्ली कह रहे हैं तो वो भी नहीं होगा। तो आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, इसे कहते हैं ऑड वन आउट करना, ठीक है। हाँ ठीक है, इसे कहते हैं ऑड वन आउट करना, ऑप्शन नंबर बी मुंबई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन अगला क्वेश्चन, ये दिमाग के अंदर फिक्स कर लो अपने, ठीक है, दिमाग में फिक्स कर लो। विच इंडियन सिटी क्रिएटेड अ न्यू गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑयल लैंप्स? सबसे ज्यादा दिए कहां जले थे, ठीक है। अब यहां पे मैं क्वेश्चन का आया है चेंज, तो अगर मैं आपसे बात करूं कि कुछ एक महीने पहले इसका आंसर क्या था, उज्जैन था, कितना, एक महीना पहले, बट अब ये आंसर नहीं है। दिवाली के मौके पे, सॉरी हाँ यहां पे अयोध्या हो चुका है, ठीक है, लेकिन एक महीना पहले कौन सा आंसर था, ऑप्शन नंबर बी उज्जैन, और अब 21 लाख दिए जला के अयोध्या सबसे पहले नंबर पे आ गया। तो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ऑनलाइन पढ़ेंगे या किसी किताब में पढ़ेंगे तो आंसर ये उज्जैन भी आ सकता है, लेकिन यहां पे आपको अपडेटेड मिलेगा तो ये ध्यान रखिएगा अयोध्या इसका आंसर है, तो कंफ्यूज नहीं होना। आगे बढ़ते हैं हम, और अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लो, वापस बता देता हूं, नहीं सिर्फ यही आएगा, अयोध्या आएगा, ध्यान रखना, और ऑप्शन सारों आएंगे, ये उज्जैन तो कंफ्यूज करने के लिए 100% आएगा, है ना। चलो अच्छा हिंदी में मथुरा, हिंदी में मैं एक्चुअली चेंज करना भूल गया, हाँ मेरी गलती है, अयोध्या ही है ये, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ जाते हैं हम, क्यों सर, अरे क्योंकि अयोध्या में अभी हुआ है ना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये इस तरह का ये सीन था। अब इस तरह का सीन होगा तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ना एग्जाम के लिए, इतना कुछ होता है क्या, देखो हाँ हमारे इंडिया के अंदर, अरे एग्जाम में तो यही करना है, अयोध्या, अयोध्या ही करना है। हाँ पहले क्या था, उज्जैन था, अब अयोध्या है और अयोध्या ही करना है अब, ठीक है। चलो अद्भुत, सुपर स्प्लेंडेड, सुपर स्प्लेंडेड। चलो आगे बढ़ जाते हम, अरे हाँ हिंदी में मथुरा चेंज कर दिया, अयोध्या है, हाँ ठीक है। चलो भाई धर्मा गार्जियन की अगर हम बात करें तो धर्मा गार्जियन से सीधा याद रखना है जापान, क्या याद रखना है, जापान, इंडिया जापान,
ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्ट। हाँ मोदी जी भी गए थे राइट। अच्छा अयोध्या कौन सी नदी पे, ये भी तो पूछते हैं, सरयू नदी के ऊपर है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ तो इंडिया जापान है, धर्मा गार्जियन से नाम से ही आपको इंडिया जापान याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें, हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। जेनेवा कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो ये किस फील्ड से रिलेटेड है जेनेवा कन्वेंशन, ठीक है। पहला ऑप्शन है डिजिटल करेंसी, हो सकता है। दूसरा है रूल्स फॉर कॉम्बेटेंट बिहेवियर ड्यूरिंग अ वॉर, युद्ध के दौरान की नीति जो भी होती है, हाँ। तीसरा क्लाइमेट चेंज, और चौथा क्या है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। तो आप सब क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं ना, बिल्कुल ये गलत है, सॉरी टू से बट अब ये गलत है, क्या कर सकते हैं। एक और मौका देता हूं चलो, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं है, हाँ अब सब बी कह रहे हैं, इसका आंसर बी है बिल्कुल। इस बार तो सेकंड बार में ही आपने बता दिया, बिल्कुल। तो इसका आंसर है रूल्स फॉर कॉम्बेटेंट बिहेवियर ड्यूरिंग अ वॉर, वो यूक्रेन और रशिया वॉर हुआ ये चीज। अच्छा आपको मैं बता दूं, रशिया और यूक्रेन वॉर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी तक चल रहा है, बोलो आप। यहां पे वो कौन सा है क्या एक नाम है इसका, चाइना भी जो है ना, हाँ राइट, चाइना ने भी जो है ना इसके साथ में लड़ाई स्टार्ट कर दी, क्या ना ताइवान, ताइवान के साथ में पूरा मिलिट्री से घिरा हुआ है अभी तक, अभी तक सही नहीं हुआ है वो चीज। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। हाँ गोल्ड माइनिंग इन इंडिया रिपोर्ट ये कौन करता है, बताते हैं भाई यहाँ पे। हाँ इसका आंसर बी है, बिल्कुल सही है बी, हाँ हाँ। चलो देखो भाई कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो गोल्ड माइनिंग इन इंडिया रिपोर्ट देता है, देखते हैं भाई यहाँ पे। नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, या फिर चौथा है यहाँ पे नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया की तो लड़ाई चलती रहती है, एक ब्रिज के थ्रू लड़ाई करते रहते हैं वो लोग, हाँ इसका आंसर है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। अब बात यहाँ पे ये आती है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो है लंदन, क्या है लंदन यूके, ठीक है। हाँ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे, लंदन यूके के अंदर है, ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं फिर ये है, हाँ चामुंडी हिल्स। अच्छा चामुंडी हिल्स बहुत ही बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं यहाँ पे, हाँ तो ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो कौन से स्टेट में है। चामुंडी हिल्स, बड़े बड़े मंदिर, यानी कि साउथ साइड में, चारों ऑप्शन साउथ के हैं, करें क्या अब, ठीक है। तो चामुंडी हिल्स जो है ये कहां पे है, हाँ ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। हमारे यहां का सारा सोना लंदन ले गए, हमारे भारत में कभी सोना था ही नहीं, ठीक है, सिर्फ कर्नाटक के अंदर सोना हमारे है, हाँ सोना तो था ही नहीं हमारे भारत में, हमारा जो ज्योग्राफिकल जो है पेनिनसुला उस हिसाब से गोल्ड मिल ही नहीं सकता हमारे, राइट है, ध्यान रखिएगा ये चीज। हाँ वो क्या है कि हमारे जो देश से जो भी चीजें थी ना, हाँ वो सब ले गए, तो वो हमारे देश को सोने की चिड़िया कहते थे, हाँ ऐसा हाँ ट्रिक टू लर्न कर सकते हैं बिल्कुल। आगे बढ़ जाते हम, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली कार्व्ड आउट 13, देखो ये तो आपको ही देना पड़ेगा आंसर भाई, हाँ कौन सा ऐसा स्टेट था जिसके 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं अभी, और जो है टोटल नंबर ऑफ 26 हो चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये तो, जल्दी से बताएं आंसर। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या वेस्ट बंगाल। हुआ क्या था मैं आपको बता देता हूं, आंध्र प्रदेश में 26 जिले थे, 26 डिस्ट्रिक्ट थे, 13 तेलंगाना ले गया तो 13 बच गए पीछे, अब वापस से 13 और बना दिए तो वापस 26 हो गए, व्हाट अ कोइंसिडेंस, राइट है। हाँ इसका आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ठीक है आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम, हाँ व्हाट इज बाउली, ठीक है ये बाउली क्या होता है ना, विच इज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, अब ये बाउली क्या है, देखो भाई यहाँ पे न्यू रेप्टाइल, वाटर स्ट्रक्चर,
बॉन्डेड लेबर सिस्टम या फिर बार्टर सिस्टम। हाँ राइट, इसका आंसर क्या है यहाँ पे? वाटर स्ट्रक्चर। बिल्कुल, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये वही जगह है जहां पे पीके रहता था। पीके को तो जानते ही हो गया आप लोग। हाँ हाँ राइट। अरे आप अब आपने नहीं होता है, पहले 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट अब बने हैं अब। हाँ तो 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो पहले 13 थे और 13 26 हो गए ऐसे। हाँ बिल्कुल, हाँ उग्रसेन की बाहुली कहते हैं इसको। हाँ यही है, पीके रहता था, आपको पता ही है। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं हम। दिल्ली कौन पीके? पीके तो वो है ना, हाँ आमिर खान पीके मूवी के अंदर। नेक्स्ट ऑपरेशन मत्स्य। ठीक है ऑपरेशन मत्स्य, मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछली। ठीक है हाँ, तो विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? तो ऑपरेशन मत्स्य जो है यहां पे किसने स्टार्ट किया? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर ओडिशा? तो ध्यान रखिएगा केरला गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। केरला ऑपरेशन मत्स्य, बिल्कुल परफेक्ट है, केरला ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम डायरेक्टली। विच इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव अ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट? ठीक है, वाटर टैक्सी की अगर हम बात करते हैं, वाटर टैक्सी की, तो वो महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई है। कहां पे हुई है? महाराष्ट्र के अंदर स्टार्ट हुई है वाटर टैक्सी। और अगर मैं वाटर मेट्रो की अगर हम बात करते हैं, तो वाटर मेट्रो कोची में स्टार्ट हुआ है। कहां पे? ऑप्शन नंबर बी कोची। ये दोनों चीजें याद रखना। हाँ वाटर टैक्सी मुंबई महाराष्ट्र है, ये मुंबई कंफ्यूज करने के लिए है। एक टैक्सी है और एक मेट्रो है। ठीक है तो मेट्रो का प्रोजेक्ट कहां स्टार्ट हुआ है? कोची के अंदर। लेकिन टैक्सी की बात करें तो वो कहां हुआ है? महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र में तो टैक्सी स्टार्ट हो गई है। हाँ पुणे के साइड में और सब जगह जा सकते हैं अपन आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं हम। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। देखो ये वाला क्वेश्चन लोग गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं अभी आपको पता चल जाएगा सामने ही। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना इज ए स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय विच इंडियन स्टेट? तो कौन से स्टेट ने किया है? तो सीधा सीधा हमारे दिमाग में क्या आता है? उत्तराखंड आता है, राइट? हाँ डबल डेकर बस जो इलेक्ट्रॉनिक करी है वो भी। तो जैसे ही हम यहां पे उत्तराखंड पे क्लिक करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना? गलत। ठीक है इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी स्टार्ट किया है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, ना कि उत्तराखंड ने, याद रखना ये चीज। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। ठीक है कुनो नेशनल पार्क, ये तो मुझको आता नहीं है, ये थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा मुझको। कुनो नेशनल पार्क जो है ना, हाँ इसके बारे में मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं है, आप बता दो तो ठीक रहेगा। उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश? सारे लोग ऑप्शन नंबर डी कर रहे हैं यहां पे। तो अब सारे ही कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सारे ही होंगे। चलिए भाई ऑप्शन नंबर डी पे ही कर देता हूं मैं, मध्य प्रदेश। ठीक है ये वही है, हाँ असम नहीं है ये, क्या कर रहे हो यूं? हाँ कुनो नेशनल पार्क के अंदर ही जो है वो नामीबिया से जो है चीता लेके आए थे। हाँ ठीक है नैरोबी नहीं, नामीबिया। हाँ नामीबिया नैरोबी अलग जगह हो गई। अगले पे आ जाते हैं हम यहाँ पे। हु इज द ऑथर? इसका आंसर मध्य प्रदेश है। हाँ टोटल 8 लाए थे, 5 फीमेल थी, ठीक है, और 3 क्या थे? मेल थे, ध्यान रखिएगा 5 फीमेल्स एंड 3 मेल। हाँ राइट आगे बढ़ जाते हैं। Who is author of the book नौरोजी? अच्छा दादाबाई नौरोजी को तो आप जानते ही होंगे, सही है ना? हाँ द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, जिनकी किताब का नाम क्या था, वो उनको फादर ऑफ अनरेस्ट भी कहा जाता है। क्या नाम था उनकी किताब का, फिर भूल गया मैं। ठीक है कोई बात नहीं, वेल्थ से संबंधित था, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इनकी थी। हाँ तो नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो है ये किताब किसने लिखी है? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर है हाँ दिनियर पटेल। ठीक है दिनियर पटेल ने ही लिखी है। जयराम रमेश नाम आपने सुना होगा इसलिए डी लगाया है नहीं इसका आंसर, ऑप्शन ए है दिनियर पटेल, ध्यान रखिएगा राइट।
इम्पॉर्टेंट था ये। चलो नेक्स्ट की बात करें हम, श्रेष्ठता स्कीम, ठीक है, इसको वैसे श्रेष्ठ भी कहते हैं, श्रेष्ठता भी कहते हैं। श्रेष्ठ स्कीम इज सेट टू बी लॉन्च्ड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। सबसे पहले तो देखो श्रेष्ठ का फुल फॉर्म याद कर लेते हैं, ठीक है, श्रेष्ठ का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट्स इन, ठीक है, अब ऐसे मत बोलना क्यों है ऐसा, ठीक है, स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन इंडिया, ये श्रेष्ठ स्कीम है। ये किसने करी है? तो ये ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नहीं करी है। नाम स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन इंडिया है, लेकिन करी किसने है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, ठीक है। हाँ, अब देखो आप यहां पे इतना खतरनाक क्वेश्चन है, अगर अपन को इसका फुल फॉर्म भी दिया जाए तो भी, हाँ ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हम। कितनी है और क्लास, देखो यहां पे लिखा हुआ है 67/85, जितने हो जाएगी स्लाइड उतनी है, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाते हैं हम, पाई का रिबेलियन, ठीक है, पाई का रिबेलियन की अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित है, कौन से स्टेट से संबंधित है? तमिलनाडु, ओडिशा, असम या फिर महाराष्ट्र? अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट। हाँ, स्माइल बहुत शानदार स्कीम थी, सक्सेसफुल भी थी। पाई का रिबेलियन की बात करें तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा, फिर से ओडिशा। आज ओडिशा, महाराष्ट्र दो नाम बहुत आ रहे हैं, बिल्कुल ओडिशा इज द राइट आंसर, पाई का रिबेलियन। हाँ, नेक्स्ट की बात करें तो ये जो पाई का रिबेलियन जो है यहां पे, इसका पूरा नाम है पाई का विद्रोहा रिबेलियन, ठीक है, जो 1817 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1817 के अंदर इसी जगह पे हुआ था, ओडिशा। 1817 भी याद रखना है अपन को, 1817, ठीक है, जरूरी है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं अपन। हाँ, ये एक और फिर से साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ये किसका है? साइंस एंड टेक का, करंट अफेयर्स विथ साइंस एंड टेक दोनों, नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन ब्लॉकचेन, ठीक है, हैज बीन रिलीज्ड बाय। तो ये नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन ब्लॉकचेन की बात करें तो ये किसने किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? नो। नीति आयोग? नो। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, ये तो सबको ही पता होगा अगर मतलब पढ़ा है तो, द काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर प्रोजेक्ट कनेक्ट्स द काशी विश्वनाथ टेम्पल विथ। अब काशी विश्वनाथ टेम्पल तो कौन सी नदी के सहारे है, आप ही बता दीजिए, सीधा सीधा आंसर है यमुना, गैंजेस, गैंगेस मींस गंगा, सतलज या फिर चेनाब। देखते हैं भाई कौन करता है सही एकदम, अभी मुझको पता है सारे आंसर आप एकदम लगातार देंगे, बिल्कुल परफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी गैंजेस इज द राइट आंसर, एकदम परफेक्ट है। हाँ, ब्लॉकचेन इज फॉर, हाँ, डिजिटल करेंसी, बिल्कुल डिजिटल करेंसी से रिलेटेड है ये, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये जो क्रिप्टो करेंसी और ये है ना क्रिप्टो वाली, ये सब डिजिटल ये ब्लॉकचेन पे ही बेस्ड है। हाँ, माझी वसुंधरा अभियान, वसुंधरा है, बिल्कुल सही है, माझी वसुंधरा अभियान किस स्टेट और कौन सी यूनियन टेरिटरी का ये स्कीम है? चलो भाई देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर बिहार? ना ना, वही आंसर है, फिक्स है, ठीक है, अब देख लेते हैं। हाँ, सबसे पहली चीज तो हर क्वेश्चन का आंसर गुजरात हो नहीं सकता, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हटा देते हैं। फिर आप सब डी बिहार पे जा रहे हैं, बिहार भी इसका आंसर है नहीं, ठीक है, महाराष्ट्र इसका आंसर है भाई, ठीक है। माझी वसुंधरा अभियान की अगर हम बात करें तो ये किसने किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर। जी, ये जो मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं 100% ऑथेंटिक है, ठीक है, और इसके आंसर्स टोटल एकदम परफेक्ट है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन का आंसर इधर उधर होने के चांस गलत है, ठीक है, सारा सही है एकदम। नेक्स्ट, अच्छा ये देखो भाई,
जीआई टैग मिल गया था इसको, आपको पता ही होगा। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द बिहार मखाना, इसको नाम फॉक्स नट्स भी कहा जाता है, ठीक है, इसको रिसेंटली जीआई टैग भी मिल चुका है, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया, बिहार मखाना को हटा के नाम चेंज कर दिया है, क्या रख दिया है, हाँ मिथिला मखाना, क्या कह दिया है, मिथिला मखाना कह दिया है। खतरनाक क्वेश्चन, यूपी एमपी, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ ऐसे आता माजी से भी याद रख सकते हैं वैसे, महाराष्ट्र, वेरी गुड, ये सही है एक्चुअली, हाँ तो इसका आंसर है मिथिला मखाना, एकदम परफेक्ट है। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडियन गवर्नमेंट, हाँ मुझको भी भूख लग गई वैसे तो, सच तो यही है, इंडियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड रुपीज 76,000 करोड़ स्कीम टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग, तो 76,000 करोड़ रुपए किस पे खर्च कर रहे हैं भाई अपने भारतीय सरकार, देखो, हाँ ऑप्शन नंबर ए ऑटोमोबाइल, नो वो प्राइवेट कंपनीज को दिया हुआ, अपन नहीं खर्च करते, ठीक है। सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले, बिल्कुल इसी पे कर रहे हैं हम, ऑप्शन नंबर बी, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ठीक है, हाँ एवरीथिंग विल बी इन इंडिया अब सो, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले। और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, 2030 तक हमारा जो इंडिया है वो एक अलग ही लेवल पे होगा, फैक्ट है ये, क्योंकि जो अभी का जो यूथ आ रहा है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, जो अपन लोग हैं, अपन लोग में आप सभी आते हैं, तो जो अभी का जो यूथ आ रहा है शानदार है, औसम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले। नेक्स्ट, इंडिया इज सेट टू चेयर द काउंटर टेररिज्म कमिटी एट यूएनएससी इन विच ईयर, अक्टूबर में हो गया ये वैसे, ठीक है, तो इंडिया ने 2022 में किया था, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो है यहां पे चार्ज था, 2022 के अंदर हो गया है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं यहां पे अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज इंद्रावती टाइगर रिजर्व लोकेटेड, ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहां पे लोकेटेड है बताना है, चलिए देखते हैं कहां पे है, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर वेस्ट बंगाल, चलो भाई बैठ जाते हैं, परफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहां पे है, हाँ छत्तीसगढ़ के अंदर है, एकदम परफेक्ट है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, अगला क्वेश्चन आपसे, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, फटाफट बताएं, राइट, जब तक ये हो गया अपना डाउट सेशन, तो यहां तक आज अपन क्लास करेंगे, बिल्कुल छत्तीसगढ़ की कैपिटल जो है रायपुर है, हाँ अच्छा, इसकी पीडीएफ जो है ना, हाँ ना मैं तो थकता कहां हूं, मेरी तो रेगुलर क्लास है रात के 10-15 तक, बेफिक्र रहो, थकने का अभी यहां पे टाइम ही नहीं है, हाँ चलो ये देखो डाउट्स जो है ना यहां पे, हाँ किसी को भी कोई भी तरह का डाउट है तो पूछ लीजिएगा, बिल्कुल 12:45 वाली क्लास, जिस जोश से इस क्लास में अपन है उससे डबल जोश में 12:45 वाली क्लास में होंगे, उसका रीजन है कि इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी की स्टार्ट हो रही है वहां पे, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं ना मैं, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का, मैं फैक्ट बता रहा हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लाया हूं मैं, ठीक है, और ये टोटल सीरीज है 5 दिन की, सर ऐसे चेक नहीं किया, क्या बात कर रहे हैं, एक बार हाई मैसेज करिएगा, आज ही चेक हो जाएगा आपका ऐसे, ठीक है, सभी का ऐसे चेक कर लिया है मैंने, एक बार हाई जरूर करिएगा अभी आज ही टेलीग्राम पे, हाँ और भी कोई भी डाउट है किसी भी संबंधित कि सर अब क्या करना चाहिए, सर एक ऐसे नीड ऑफ न्यू क्रिमिनल कोड, डन, ठीक है, हाँ राइट, और जिन जिन स्टूडेंट्स को भी एक नई स्टार्टिंग करनी है, ठीक है, वो आज से कर सकता है, ठीक है, आज बहुत ही शानदार डे है, बिल्कुल ये पंजाब एडीए के लिए कर लो लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी, बात खत्म हुई, एमपी एडीपीओ को लेना है बिल्कुल, क्योंकि ये तो लॉ में भी आ जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी तो पार्ट है ये,
सभी को लेना है, सभी को जरूरी है ये चीज, ध्यान रखिएगा। 12:45 वाली क्लास, कोई क्लास ना भी देखो लेकिन वो 12:45 वाली देखेंगे, हाँ ध्यान रखिएगा। चलो और भी कोई डाउट हो पूछ लो, बेफिक्र रहो। और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं सॉरी लेकिन वो मैं साथ में ही दे पाऊंगा, पूरी एक कंबाइन करके दूंगा, है ना, समझिए इस बात को। एक एक करके देते हैं ना तो सब इधर उधर कर लेते हैं, तो एक साथ पढ़ी रहेगी ना तो सारे लोग पढ़ भी लेंगे, इसीलिए ठीक है। हाँ और ये आपको पता ही है 13 नवंबर को, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, हाँ 13 नवंबर को ये एग्जाम आपको देना है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन देना है, ठीक है, चाहे हमारी तैयारी ना भी हो बट एग्जाम ये वाला आपको देना है, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं अपन। हाँ वरीड अबाउट योर जुडिशरी एग्जाम, टेंशन फ्री रहो यहाँ पे आप, इंग्लिश की, जीके की, कंप्यूटर की, रीजनिंग की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, और भी कोई सब्जेक्ट बच गया अदर देन लॉ तो टेंशन के लिए मैं हूँ, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ दो पार्ट में डाल दूंगा पीडीएफ, ठीक है, आज और कल की डाल दूंगा, फिर परसों और तरसों की डाल दूंगा, तब तो ठीक है। हाँ और ये देखिए, ये हमारे जो है राजस्थान के जो आरजेएस के सितारे हैं, यूपी पीसीएचए की जो वैकेंसी जैसे ही आने का कुछ पता पड़ेगा तो आपका बैच सबसे पहले स्टार्ट लिंकिंग लॉस करेगी टीम, बेफिक्र रहिए आप, ठीक है। हाँ और ये आपको पता ही है, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सारे बैचेस का आपको एक्सेस मिलता ही है, और 12:45 की जो स्पेशल क्लास है वो तो एकदम शानदार रहती है। मैं आपको बता रहा हूँ यूट्यूब पे जो क्लास है, हाँ राइट, हाँ ऑलरेडी सर, ऑलरेडी जिसके पास है भी क्या करें, क्या कर सकते हैं, साथ साथ दे दो रिवीजन हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। जेएलओ की इंग्लिश मेरे ऊपर बात कर, चिंता क्यों करते हैं आप, हाँ बेफिक्र रहिए आप, ठीक है। और अगर आपको लगे कि सर ने कुछ इनअप्रोप्रिएट पढ़ाया है, कोई क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगे, ठीक है, तो सीधा सीधा आप क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट, लेकिन रेलिवेंट, ठीक है, बाकी तो ऑथेंटिसिटी 100% रहती है अपनी क्लास के अंदर। हाँ तो इसका लिंक है आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चलिए फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स आएंगे। हाँ तो बाकी मिलेंगे अब हम 12:45 की क्लास में, फटाफट से भागता हूँ मैं 12 घर पे, कि 12:45 क्लास है ना वापस। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, और अच्छे से मेहनत करो, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, हाँ ठीक है, सब सही होगा, एवरीथिंग विल बी ओके, बस थोड़ा सा क्या है, खुद पे ट्रस्ट रखो, हो जाएगा, ऐसे मत बोलो कि नहीं हो पाएगा, बस ऐसे बोलो कि हो जाएगा, ठीक है, सब अच्छा होगा, ठीक है। और मैंने आपको हमेशा से एक ही बात कही है, गो विद द फ्लो, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।